जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 टेंसेस के हवाले से चार्ट 1 हमने क्लियर किया था लेक्चर 1 में कि 12 टेंसेस के नाम हैं। नंबर 2 हमने कहा कि उनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नंबर 3 हमने कहा कि ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमेशा जुमला बनता है। नंबर 4 थोड़ा लेंगी था लेकिन वो क्लियर करने के लिए ज़रूरी था कि आय के साथ वॉल लगता है या वर लगता है, गेहूँ के साथ वॉल लगता है या वर लगता है। चार्ट नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूँ समझो कि अब तक जितने आपने चार्ट याद किए वो एक फ्रेम किए रट्टे वाले में। थोड़ा सा क्लियर कर दूँ सुबह को कि रट्टा उर्दू का वर्ड है और फिकेशन अंग्रेजी का वर्ड है। लोगों ने मिक्सचर कर दिया, रट्टाफिकेशन कर दिया, डिक्शनरी में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। असल वर्ड क्रेम है, क्रेम का मतलब है रट्टा लगाना। क्रेम 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 क्रेम्स ये फॉर्म्स हैं। टेंसेस की तरफ वापस आ रहे हैं कि हमारा बेसिक फार्मूला ऑफ सेंटेंस, यानी कि मैं एक बड़ा हरफन एक जुमला यूज़ करता हूँ, रोटी कपड़ा मकान। इंदौर में एक सियासतदान ने उल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया कि इंसान के लिए 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो इसी तरीके से इंग्लिश के लिए 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं और वो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे 17-18 साल की एक्सपीरियंस में मैं इसी जगह पर आके पहुँचा हूँ कि जिस स्टूडेंट को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लाइफ टाइम ये चीज़ अपने जहन में रख ले तो उसको कभी भी प्रॉपर ग्रामर समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो यकीन करेंगे मुझसे इस बात से कि वाकई अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता ना होता तो हमें आज कुछ भी आगे समझ में नहीं आता। तो चार्ट में है क्या, सब्जेक्ट का मतलब होता है परफॉर्मर, काम करने वाला जो एक्शन करता है। वर्ब का मतलब है जो एक्शन हो रहा, और इसके बारे में मैंने कहा था कि ने का वर्ड इनसे की ना का वर्ड उर्दू में आना चाहिए। जैसे मिसाल वो जाना इनसे की वजन, प्ले खेलना इनसे की खेला, राइट लिखना इनसे की लिखा। ये लफ्ज़ जब आ जाए तो ये हमेशा जहन में रख लो कि ये वर्ब की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको ये दोनों लेटर मिल जाए तो क्लियर कर देना कि हम वर्ब की ही बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट परफॉर्मर जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट के दो मीनिंग्स हैं यहाँ पर। एक मीनिंग नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जिस पे काम हो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं जिस पे काम हो वो तो ऑब्जेक्ट है लेकिन जो मेरे काम को रिसीव कर रहा है वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ साइड में कहीं गुड़का देता हूँ। मतलब मैं अगर ये लिखूँ कि आई टीच यू, तो मेरे पढ़ाने के एक्शन को आप लोग रिसीव कर रहे हो तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट के दो डेफिनेशन हम फॉलो कर सकते हैं। परफॉर्मर कौन होता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वर्ब जो एक्शन हो रहा है वर्ब का याद होना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक जुमला लिखा है, तीनों में से अगर आप एक चीज भी छोड़ दोगे तो आप ये जहन रखो कि इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर हमने पहला जुमला लिखा कि आई प्ले क्रिकेट। आई काम करने वाला कौन हूँ, मैं हूँ। काम क्या कर रहा हूँ, खेलने का, आई एम वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। और फिर मैं खेल क्या रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी मेरा एक्शन किसके ऊपर हो रहा है। जब आप नीचे वाले जुमलों में ज़रा गौर से देखो कि मैंने 3 और जुमले बनाए और हर जुमले में एक एक पीस करके मैंने इसके सपोज करो कि मैंने अगर अगला जुमला लिखा है कि आई प्ले और फिर मैंने आगे कुछ नहीं बताया तो मुझसे आप लोग सवाल करोगे व्हाट प्ले, क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, यानी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। जैसे ही मैंने दूसरा जुमला लिखा मैंने कहा प्ले क्रिकेट, तो आपका सवाल फौरन मेरी तरफ आएगा, सर कौन खेल रहा है, ही शी यू आई दे एक्स वाई डी कोई भी हो सकता। तीसरा जुमला हमने लिखा कि आई क्रिकेट, वर्ब नहीं पुटअप किया तो यहाँ पर क्या आई प्ले क्रिकेट, आई वॉच क्रिकेट, आई लर्न क्रिकेट, आई टीच क्रिकेट या आई रीड अबाउट क्रिकेट या कुछ भी वर्ब हो सकता है। ये बात ध्यान में रखो कि कोई भी जुमला बनाने के लिए 3 बुनियादी, अगेन 3 मेन फिंगर्स ऑफ योर लाइफ, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो 3 चीज़ें अगर आपके जहन में हैं इट मीन्स आप जुमला बना सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल होते हैं, इतने बड़े जुमले होते हैं 10 वर्ड के, 12 वर्ड के, 15 वर्ड के, वो लफ्ज़ भले 25 वर्ड का सेंटेंस बना दो, बुनियाद
तीन रोटी कपड़ा मकान यानी सब्जेक्ट घर और ऑब्जेक्ट पर ही बहस करेगा। इसका एग्जाम्पल मैं यूं वोट करूंगी, आप कोई प्लाट खरीदते हो, आप सबसे पहले बुनियादें डलवाते हो। क्यों? रीजन बड़ा सादा सा है बुनियादों का कि वो बुनियाद पड़ते फिर आप उस पर घर बनाओ, पेट्रोल पंप बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, फ्लैट बनाओ या 10 मंजिला इमारत बनाओ, लेकिन बुनियाद स्ट्रांग होगी तो वो सब कुछ बनेगा। तो इंग्लिश में कितना भी बड़ा जुमला आप लेके चले जाओ, उसको इनलार्जमेंट ऑफ सेंटेंस कहा जाता है, यानी सेंटेंस को रबर की तरह खींचना। मैं एक मिसाल देती हूँ कि I play game in the morning at 9 o'clock in the morning on Sunday. अब आप सारे जुमले को नोट करोगे, अगर मैं इसमें से आई प्ले गेम हटा दूं और मैं कह दूं एट नाइन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग ऑन संडे ऑन 11th April 2021 इन द ग्राउंड ऑन एक्सपायरी रोड इन हैदराबाद, तो उस सारे की कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि सवाल ये आएगा कि सर वहाँ पे कौन क्या कर रहा है और क्या खेलेगा, क्या करेगा ग्राउंड में, कौन सी गेम खेलेगा, कौन खेलेगा, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये बात याद रखना कि भले जितना बड़ा जुमला बनाना चाहो बना सकते हो, अगर उसकी बेस लाइन बुनियादी तीन चीज़ों पे चलेगी, वो बुनियादी तीन चीज़ें हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई होप इन शॉर्ट में ये क्लियर हो गई होंगी। मजीद यू मे मे कॉन्टेक्ट मी, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें ताज चैनल, वहाँ पर आपको हर वीडियो मिला। थैंक यू वेरी मच।